हाय फ्रेंड्स, मैं रवि बागड़ी पैसिफिक गोल्फ स्टेट से गोल्फ कोच। आज हम आपको एक नए स्टूडेंटों से मिलाएंगे जो कि यूएस से आए हैं। मेरे पास टास्क है कि इनको 5 दिनों के अंदर गोल्फ सिखाना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि अब हम किस तरीके से इस टास्क को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इन्होंने यूएस जाके गोल्फ करना है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वही अपने गोल्फ कोर्स में, और हमारे जो 3 टास्क की मैंने बात करी थी, जो कि ये हैं ईशान जी, ये ईशान जी की मम्मी एंड ये उनकी बहना, हिंदी में बोलेंगे यहाँ, ठीक है, सिस्टर, बेटी, ठीक है। मुझे लग रहा है गोल्फ के साथ हिंदी जरूर सीखेंगे ये लोग, ठीक है। तो आपको कहाँ से, मतलब मेरे नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको कहाँ से पता चला कि लाइक गोल्फ सीखना चाहिए। वैसे यूएस में तो सबसे ज्यादा चलता है वो, कॉलेज में कंपलसरी है, स्कूल्स में कंपलसरी है कि गोल्फ होना चाहिए। तो मतलब आपका कैसे, मतलब वो रोमांच बना है किस तरीके हमको सीखना है गोल्फ? हम लोगों के बहुत सारे दोस्त हैं जो गोल्फ खेलते हैं, तो उन लोगों के साथ खेलने का मन करता है। जनरली कई बारी मदर्स डे पे होता है, गोल्फ खेलने जाती है मॉम्स, या फादर्स डे पे होता है। तो मेरे को आता नहीं था, तो वो प्लान बना नहीं पाती थी मैं। तो इसीलिए जब यहाँ आई तो सोचा चलो यहाँ क्लासेस हैं तो ली जाएँ, सीख कि मैं 5-6 दिन में सीख सकती हूँ कि नहीं। ओके डन मैम, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको 5-6 दिन में जितना मेरा बेस्ट है कि आपको वो उसको प्रोवाइड करें। ईशान से पूछेंगे, ईशान बिल्कुल यंग है और एक्साइटेड बहुत है। सो ईशान, कैसे लगा कि गोल्फ सीखना चाहिए वही 5 डेज में, 1 वीक 5 डेज? I don't know. I just want to learn. But आप excited बहुत हो? Yeah, very excited to play. तो ठीक है, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, और आपको इस वीडियो में एंड में दिखाएंगे कि इन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज का ही बताएंगे वैसे भी हम लोग एक्सपीरियंस, फिर तो कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। तो गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पहला जो हमारा पार्ट है वो कर रहे हैं चिपिंग, ठीक है। तो आप लोगों, उसके बाद आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो चिपिंग के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। लाइक हमको इसको एनालाइज करना है कि जैसे हम लोग उसको इधर फर्स्ट वाले बोल के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो हमारी लाइन ये होगी, ठीक है, ये इसका स्लॉट होगा। ये हमारा जब आयरन जाएगा तो बिल्कुल इस तरीके से जाएगा, डन, स्ट्रेट, ओके। उसके बाद मैम हमने अपने शोल्डर के बराबर के लेग्स करने, ठीक है, एंड अपना ग्रिप को पकड़ना है रिलैक्स करके। लेफ्ट पाँव पे हमारा मैक्सिमम वेट रहेगा, लेफ्ट पाँव पे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ऐसे हिट नहीं करना है, ऐसे ना रिस्ट मारनी है, जस्ट हमने जो अपना रिलैक्स मूवमेंट है उसको छोड़ना है वहाँ टू। तो आप जितना इसको ईजी उठाएंगे उतना अच्छा जाएगा, जितना ईजी उठाएंगे उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। रिलैक्स एंड शॉट, डन, नॉट बैड, वन मोर ट्राई। हाँ विपिन, कहाँ चलिए, नेक्स्ट ट्राई कौन करेगा? ईशान ट्राई करेगा। नाइस शॉट, फर्स्ट अटेम्प्ट। शाबाश मैम, प्लीज आप ट्राई करें।
Can you hold this? गुड वन, रिलैक्स होके, रिलैक्स होके, एकदम इजी। नॉट बैड। तो फ्रेंड्स, ये मम्मी है, ये सन है और ये डॉटर है। तो आपको शॉट मार के कैसा लगा? सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने तीन स्टूडेंटों के साथ। पहला दिन बॉल सेट हो चुकी है और स्विंग हो रहा है बॉल। ईशान, जस्ट रिलैक्स, इजी, हेड डाउन एंड रिलीज अ बॉल। नो 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 नो, ये सब चीज कॉमन है, डफ लगलना, ग्रास खराब होना। ठीक है, गुड वन। कीप हेड डाउन, कीप हेड डाउन। गुड शॉट, गुड वन। क्या बोला? गुड शॉट, नाइस शॉट। तो प्रैक्टिस तो हो चुकी है, ईशान बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मजा आया? Yeah, a lot of fun. Lot of fun. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मजा आया। It was excellent. Lot of fun, lot of learning. It was very nice. Thank you. Let's go. It was really fun. Really fun? Yeah. Okay. So, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग US में जाके इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्विंग अच्छा था और मतलब आप और दिन काफ़ी करते तो टाइम होता तो मैं और अच्छे से करा पाता इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू। तो इन्जॉय, बाय। थैंक यू। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और US वालों को ज़रूर, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल।